हेलो फ्रेंड्स, जीजी क्रिक स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। बात करें यहाँ पर स्कॉटलैंड वर्सेज जिम्बाब्वे के ओडीआई मैच की। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ग्रैंडली की टीम बनाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन टीम बनाने वाला हूँ दोस्तों, जो ग्रैंडली इजीली निकाल के दे देगी। तो दोस्तों, उससे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों के यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोस्तों, यहाँ पर स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में यहाँ पर अब तक 3 मैच खेले जा चुके हैं दोस्तों, जिनमें से एक मैच जिम्बाब्वे ने विन किया, एक मैच स्कॉटलैंड ने और एक मैच इनका टाई रहा दोस्तों। लास्ट मैच खेला गया था यहाँ पर 2018 में, जो आईसीसी वनडे ओडी जो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसके 2018 में क्वालिफायर खेले गए थे दोस्तों। वहाँ पर 210 रन यहाँ पर स्कॉटलैंड ने बनाए थे और 210 ही जिम्बाब्वे ने बनाए थे। वो मैच रहा था टाई दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर ये जिम्बाब्वे का टूर है ये भी, और इससे पहले जिम्बाब्वे 2017 में स्कॉटलैंड की में खेलने गई थी, 2 मैच खेले थे दोस्तों, एक स्कॉटलैंड ने जीता था और दूसरा मैच जो लास्ट था दोस्तों वो जिम्बाब्वे ने जीता था दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें प्लेयर्स की, तो यहाँ पर ब्रेंडन टेलर खेले थे, ये मैच खेलने वाले हैं नहीं दोस्तों। ब्रेंडन टेलर इंटरनेशनल से यहाँ पर संन्यास ले चुके हैं, तो ब्रेंडन टेलर ये मैच नहीं खेल रहे हैं दोस्तों। यहाँ से चक बावा खेलने वाले हैं, तो हमें चक बावा के साथ ही जाना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर करोश दोस्तों, यहाँ पर ओपन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लगभग ओपनिंग में आते हैं, तो यहाँ पर ये भी इस मैच में भी ओपनिंग में आने वाले हैं दोस्तों। वाल्स भी अच्छे हैं और दूसरा होम ग्राउंड पर खेलेंगे तो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर चक बावा रिसेंटली अच्छी फॉर्म में है और अभी ताज़ा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो दोस्तों हमें चक बावा के साथ जाना चाहिए, तो यहाँ से सही ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ से चक बावा को ले रहा हूँ दोस्तों। वैसे दोस्तों, यहाँ पे करोश जो है ओपन करके दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अर्धशतक लगा चुके हैं। यहाँ से बात कर ले बैटिंग ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ से कोटचर हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं, तो इनको दोस्तों इतना अंडर एस्टिमेट मत करना, इनको लेके चलना दोस्तों। यहाँ से इरविन है, अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, इनको भी लेके चलना, रिसेंटली अच्छा खेले हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर मैच देखे जाएँ जो आयरलैंड के विरुद्ध इनके हुए हैं, उनमें अच्छे परफॉर्मेंस दी है। बात कर लें दोस्तों मैकलॉयड की, तो मैकलॉयड और मुनिस में से दोस्तों किसी एक प्लेयर के साथ हमें जाना चाहिए। मैकलॉयड एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो यहाँ से मैकलॉयड के साथ ही जाना बेटर रहेगा, बाकी मुनिस भी ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगर जिम्बाब्वे की तरफ से यहाँ पर कोई ऑप्शन है, तो दोस्तों यहाँ पर टी को या कॉमन हो कहा है दोस्तों, या फिर सुम्बा है दोस्तों। यहाँ पर मिल्टन सुम्बा भी बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ से सुम्बा के साथ भी जा सकते हो, या फिर दोस्तों डी मायर्स खेल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा दोस्तों। फिर अगर इनमें कोई प्लेयर परफॉर्मेंस दे सकता है दोस्तों, अगर प्लेइंग 11 में रखेंगे तो मुस्कांडा दे सकते हैं, बाकी मुझे इनमें कोई प्लेयर इतना अच्छा लग नहीं रहा दोस्तों। तो यहाँ से मैं ये कोटजर, इरविन और मैकलॉयड को पिक कराऊँ दोस्तों। ऑलराउंडर सेक्शन की बात कर लेते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर शेन विलियमसन इनके खिलाफ दोस्तों एक अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, 70 रनों की जो पीछे मैच हुए थे दोस्तों उनमें, और लगभग हर मैच में एक एक विकेट इनके खिलाफ निकाल चुके हैं दोस्तों, तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ से हमें यहाँ पर शेन विलियमसन के साथ जाना चाहिए। ब्रिंगटन भी इनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, रन भी बना चुके हैं, विकेटें निकाली हैं, तो यहाँ से ब्रिंगटन के साथ जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ से बात करें सिकंदर रजा की, तो सिकंदर रजा भी दोस्तों इनके खिलाफ एक अर्धशतक है। यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों साफियान शरीफ की, तो साफियान शरीफ दोस्तों एक मैच में दोस्तों यहाँ पर 5 विकेट निकाल चुके हैं, जो टाई हुआ था उसमें साफियान शरीफ ने 5 विकेट निकाले थे दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पर साफियान शरीफ को अंडर एस्टिमेट मत करना, इनके साथ जा सकते हो। यहाँ से रियान बराल है दोस्तों, अभी जो रिसेंटली देखा जाए सबसे बढ़िया जो इन फॉर्म बल्लेबाज कोई देश हो या गेंदबाज हो सकता है दोस्तों जिम्बाब्वे का, वो यहाँ पर बल्लेबाजी में रियान बराल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इनके साथ जा सकते हो। यहाँ से दोस्तों लेसक की बात करें, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों में एक अर्धशतक लगा चुके हैं और 8 विकेट ले चुके हैं दोस्तों, एक मैच में 4 विकेट लिए थे और एक में 3 विकेट चटका चुके हैं दोस्तों। जो मैच जो इनका टाई हुआ था उसमें 4 विकेट यहाँ पर लेसक ने लिए थे दोस्तों और 5 विकेट साफियान शरीफ ने। माधवारे दोस्तों अच्छे प्लेयर हैं, नए प्लेयर आए हैं दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे में, जो लगभग कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऑलराउंडर हैं दोस्तों, तो इनके साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ही ऑलराउंडर लेने हैं दोस्तों। मैं यहाँ से विलियमसन को भी ले रहा हूँ दोस्तों और सिकंदर रजा को भी ले रहा हूँ दोस्तों, और मैं यहाँ से बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन की तरफ देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्रिंगटन को ले रहा हूँ दोस्तों और यहाँ से मैं लेसक को ले रहा हूँ। यहाँ साफियान शरीफ को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्रिंगटन को इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ पर स्कॉटलैंड के 2 ही बैट्समैन ले रखे हैं, तीसरा यहाँ पर जो 4 या 5 नंबर पर खेलने आ जाएंगे ब्रिंगटन है दोस्तों। यहाँ से लेसक 6 नंबर या 7 नंबर पर खेलने आ जाते हैं, यहाँ पर लास्ट में आके अच्छे बल्लेबाजी कर देते हैं दोस्तों और विकेट निकालते हैं। तो यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों हमें मुजरवानी के साथ जाना चाहिए, पिछले दौरे में भी विकेटें चटकाई हैं और दोस्तों अभी तक रिसेंटली देखे जाए अच्छी फॉर्म में है, लगभग हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, तो जिम्बाब्वे के मेन प्लेयर हो जाते हैं बॉलिंग सेक्शन
सेक्शन में दोस्तों। यहाँ से बात करें जिम्बाब्वे के दूसरे प्लेयर की दोस्तों, यहाँ पर लुक जोंग भी है। अभी रिसेंटली सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस लुक जोंग भी दे रहे हैं, लगभग 11 मैच में विकेट निकाल रहे हैं। तीसरे गेंदबाज रहने वाले हैं प्लेइंग 11 में नगरवा दोस्तों। बाकी ट्रिपनो को थोड़ी बहुत जगह शायद मिल सकती है तो मिल सकती है दोस्तों। ट्रिपनो अगर आते हैं तो दोस्तों थोड़ा बैटिंग ऑप्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रिपनो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ चतारा भी जो पहले यहाँ पर 3 विकेट 1 मैच में निकाल चुके हैं, यहाँ पर स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो अगर चतारा को खिलाते हैं तो चतारा भी कई तरफ भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से बात कर लेते हैं, 3 गेंदबाज लेने हैं तो यहाँ से मैं मुजरवानी के साथ जा रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों मैं जोंगवे को ले रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों मैं वाट को ले रहा हूँ। अगर आप युवांश के साथ जाना चाहते हो, युवांश भी बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ से दोस्तों सोल भी अच्छे ऑप्शन है। तो ये टीम बनी है दोस्तों, कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं एक बार। कैप्टन दोस्तों मैं यहाँ पर शेन विलियमसन के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, जब भी खेलते हैं खासकर ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कंसिस्टेंसी के साथ और विकेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं शेन विलियमसन को बना रहा हूँ कैप्टन दोस्तों, वाइस कैप्टन मैं बनाऊंगा दोस्तों यहाँ पर लेसक को, क्योंकि लेसक दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो मैच हो रहा है इस मैच में दोस्तों कुछ भी 2+ विकेट लेने वाले हैं और 30 से 40 रन बना देंगे, तो वाइस कैप्टन के सबसे बड़े दावेदार हो जाते हैं। अगर कैप्टन ट्राई करना चाहते हो दोस्तों, कैप्टन ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेसक के साथ। दूसरे प्लेयर अगर आप जाना चाहते हो बैटिंग सेक्शन में किसी प्लेयर के साथ दोस्तों, तो आप कोर्टजर के साथ जाना है, मैकलोड के साथ दोस्तों। कोर्टजर थोड़े बेटर ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों आप बॉलिंग की तरफ भी देख सकते हो, यहाँ से वाट और जोंग भी अच्छे ऑप्शन है, यहाँ से सिकंदर रजा है या फिर सोफियन शरीफ को भी शामिल कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों मैंने 2 मेन प्लेयर यहाँ पर जिम्बाब्वे के लिए नहीं है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा टीम बनाते हो दोस्तों तो उनमें आप उन प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, जैसे रियान बरल थे दोस्तों और माधवारे थे दोस्तों। उन प्लेयर को दोस्तों आप इतना अंडर एस्टिमेट मत करना, उनके साथ भी जा सकते हो। तो टीम देख लेते हैं दोस्तों, ये टीम बनी है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टीम बनी है, जो यहाँ पर प्लेयर सिलेक्शन हुआ है सभी का बहुत अच्छा है। ये टीम आपको इजीली ग्रैंड लीग निकाल के दे सकती है, तो इस टीम को आप ट्राई करना चाहो दोस्तों प्लीज़ ट्राई करना। और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है हमारा जी जी क्रिक स्पोर्ट्स नाम से, इसके ऊपर ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पर लाइनअप आउट होते हैं लगभग हर मैच की अच्छी टीम वहाँ पर हम डाल रहे हैं दोस्तों, और आपसे दोस्तों अपना एक्सपीरियंस शेयर वहाँ करते रहेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, बने रहिए जीजी क्रिक स्पोर्ट्स के साथ।